हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही प्यारा सा एक कार्डिगन का डिजाइन लेकर आई हूँ। लेडीज कार्डिगन, लेडीज कोटी या बच्चों के स्वेटर पर डालिए इस डिजाइन को, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं इस डिजाइन को बताना। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि समझ में आए कि कैसे बना हुआ है। ये देखिए, ये पहला फंदा है तो हम इसको इसी तरह ले लिए। अब देखिए, धागे को हम यहाँ पर एक बार घुमाएंगे और इसको हम सीधे की तरफ से नहीं बुनेंगे, इसको पीछे की तरफ से इस तरह बुनेंगे। फिर देखिए, फिर एक बार धागे को घुमाएंगे और यहाँ पर हम दो को एक करेंगे ऐसे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक दो तीन चार पाँच, ये पांच फंदा सीधा। अब फिर देखिए, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, धागे को एक बार घुमाएंगे और इसको हम सीधे की तरफ से ऐसे नहीं डालना है, सिलाई को पीछे की तरफ से ऐसे डाल के इसको बुनेंगे। फिर एक बार फंदा घुमाएंगे और फिर हम यहाँ पर दो को एक करेंगे और फिर देखिए, एक दो तीन चार पाँच, ये पांच फंदा सीधा और ये किनारे का फंदा है तो इसको भी हम सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। अब पीछे के साइड से देखिए, पीछे की तरफ से ये देखिए, एक दो तीन चार, ये चार फंदा उल्टा। अब हम यहाँ पर फिर हम दो को एक करेंगे तो पीछे की तरफ से दो को एक करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए, सिलाई को नीचे से डालेंगे, सीधे की तरफ से नीचे से डालेंगे इन दोनों फंदे में इस तरह, और फिर यहाँ पर हम दो को एक करेंगे ऐसे। और फिर देखिए, अब देखिए इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको देखिए, एक दो, ये दो फंदा उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ से देखिए इसको, अब फिर एक दो तीन चार, ये चार फंदा उल्टा। अब इन दो फंदे को हम एक करेंगे पीछे के साइड से तो इस सिलाई को हम नीचे से डालेंगे ऐसे, इधर से इस तरह, और दो को एक कर दिए। अब फिर यहाँ पर देखिए, एक दो तीन, ये तीन फंदा उल्टा बुन लिए। अब ये किनारे का फंदा है तो इसको हम उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे ऐसे। अब सीधे की तरफ से देखिए, इसको सीधे की तरफ से फिर हम इस धागे को एक बार घुमाएंगे यहाँ पर और इस फंदा को हम पीछे की तरफ से सिलाई को डाल के बुनेंगे ऐसे। देखिए, फिर एक बार बता रही हूँ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, धागे को एक बार घुमाएंगे और सिलाई को हम पीछे की तरफ से डालेंगे ऐसे, और फिर यहाँ पर फिर हम एक बार धागे को घुमाएंगे और दो फंदा हम सीधा बुनेंगे। दो फंदा सीधा बुनने के बाद हम यहाँ पर अब फिर दो को एक करेंगे इस तरह, और फिर यहाँ पर देखिए, एक दो तीन, ये तीन फंदा सीधा। अब फिर हम धागे को देखिए एक बार यहाँ पर घुमाएंगे और इसको इस फंदे में हम सिलाई को पीछे की तरफ से ऐसे डालेंगे और फिर इसको हम सीधा बुनेंगे। फिर देखिए, एक बार और धागे को घुमाएंगे और अब यहाँ पर हम दो फंदा सीधा सीधा बुनेंगे। फिर देखिए, यहाँ पर हम इस फंदा को लेकर इसी सिलाई पर ले लेंगे सीधा करके और दो को एक करेंगे, दो को एक कर दिए। अब फिर देखिए, एक दो तीन, ये तीन फंदा सीधा, ये किनारे का है तो इसको भी हम सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। उल्टे साइड से देखिए, अब यहां पर एक दो, ये दो फंदा उल्टा। अब फिर हम यहाँ पर दो को एक करेंगे,
यहाँ पर दो कोए करने के लिए हम सिलाई को नीचे से डालेंगे, इधर से सीधे की तरफ से इस तरह दोनों फंदा में, और दो कोए करेंगे यहाँ पर। फिर देखिए एक दो तीन चार पाँच, ये पांच फंदा सीधा। अब फिर यहाँ पर सॉरी पांच फंदा उल्टा, और फिर यहाँ पर हम दो फंदा और उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ पर देखिए फिर हम दो को एक करेंगे, तो सिलाई को हम नीचे से डालेंगे और दो को एक करेंगे इस तरह। फिर देखिए एक दो तीन चार पाँच, ये पांच फंदा उल्टा, और ये किनारे का है तो इसको भी हम उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। अब सीधे की तरफ से देखिए इसको, सीधे की तरफ से क्या करेंगे कि यहाँ पर हम, अब देखिए इस फंदा को हम उल्टा ये सिलाई को डालेंगे ऐसे, और फिर देखिए धागे पीछे धागे को एक बार घुमाएंगे, और यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार, ये चार फंदा सीधा बुनेंगे। अब फिर यहाँ पर हम दो को एक करेंगे ऐसे, और एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब सीधा के साइड में हम फिर एक फंदा को घुमाएंगे इस फंदा को ऐसे, और इस फंदा को लेकर हम पीछे की तरफ से इस तरफ बुनेंगे। फिर देखिए यहाँ पर हम एक फंदा को घुमाएंगे, इस फंदा को एक बार ऐसे लपेटेंगे, और इसके बाद देखिए एक दो तीन चार, ये चार फंदा सीधा। अब फिर यहाँ पर हम दो को एक करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फंदा को लेकर इसी सिलाई पर ले लेंगे सीधा करके, और दो को एक कर दिए। अब फिर एक फंदा सीधा बुनने के बाद फिर हम एक बार धागे को लपेटेंगे इसमें, और ये किनारे का फंदा है तो इसको हम सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये बनेगा, बहुत ही प्यारा लगता है ये, और बहुत आसान है, तो इसको एक बार ज़रूर कोशिश कीजिएगा। ये देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फंदा उल्टा, और यहाँ पर अब दो को एक करना है, तो दो को एक करने के लिए हम सिलाई को पीछे से डालेंगे ऐसे, और इसको इस तरीके से हम दो को एक कर दिए। अब यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात, ये सात फंदा उल्टा। अब फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम दो को एक करेंगे, तो इसके लिए हम सिलाई को नीचे से डालेंगे दोनों फंदे में, और दो को एक कर दिए। अब फिर देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात, ये देखिए अब ये हम दो सिलाई सीधा सीधा बुनेंगे इसको, ये डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम सीधा सीधा दो सिलाई को बुनेंगे, इधर से सीधे की तरफ से सीधा, और उल्टे के साइड से उल्टा बुनेंगे इस तरह। अब इधर से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे इसको,
अब फिर देखिए, अब ये डिजाइन यहाँ से फिर निकलना शुरू हो जाएगा, इसी तरह फिर यहाँ निकलेगा, सेम निकालना है ऊपर आके। ये कंप्लीट हो गया। अब फिर यहाँ पर देखिए, इस फंदा को हम ऐसे ही ले लेंगे, फिर धागे को एक बार घुमाएंगे और फिर यहाँ पर हम सिलाई को पीछे से डालेंगे, फिर एक बार धागे को घुमाएंगे। अब यहाँ पर हम दो को एक करेंगे, इसी तरह फिर रिपीट होगा ये डिजाइन। ये देखिए, अब फिर यहाँ से हम 1 2 3 4 5, ये 5 फंदा सीधा बुनेंगे। इसी तरह दोहराते हुए हम फिर सेम इसी तरह ये बनेगा यहाँ पर भी, और इसी तरह दोहराते हुए इसको डिजाइन को निकालेंगे, तो ये बन के इस तरह दिखेगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। वो इस डिजाइन को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सबको कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही पसंद आया ये डिजाइन, तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और स्वस्थ रहें, खुश रहें, फिर मिलती हूँ मैं कुछ नए डिजाइन के साथ।